तो आगे फाइनल तक आप प्रवेश कर सकते हैं। लगातार ककराटा की तरफ से 1-2। अच्छी शॉट बिशम की तरफ से, इस तरीके से किसान के कोर्ट में डाउन किया, गेंद को पॉइंट मिलेगा 3 और किसान 2। चूके और नुकसान उठा बैठे, ककराटा को इसका फायदा मिलता हुआ 4-2। पहला सेमीफाइनल मैच डायमंड क्लब किसान और ककराटा के दरमियान होता हुआ, सर्विस नाकारा सिद्ध हुई ककराटा की। ककराटा की तरफ से नाकाम सर्विस, चूमती हुई नेट को बोसा देती हुई बाहर की, इसका खमियाजा भुगतना पड़ा और सर्विस चेंज। अच्छी शॉट, नेट चार्ज कर पड़े अंदर का फैसला कर रही और आखिरी होगा। इस तरीके से जिस हमने इजाफा किया पॉइंट के अंदर 3। अच्छा डिफेंस, सर्विस लेने में दरमियान में मलबूस मोहम्मद आसिफ, बहुत ही अनुभवी एक कोच की हैसियत भी रखते हैं बिशाम के लिए ये। अच्छा डिफेंस, आउट में बैठे। इस तरीके से मैं समझता हूं कि पॉइंट के अंदर इजाफा पाए, अपना प्रदर्शन, अपना जोश, अपना वलवला और अपना अपने आप में ताजमहल बैठाती हुई सभी चेंज लेने में कामयाब रही किसान की टीम के खिलाड़ी। ककराटा के सभी नौजवान खिलाड़ियों की सराहना करनी होगी, ताक का भी तारीफ है सभी ककराटा के खिलाड़ी, उनके भी मुकाबले हमारे मुआविन कमेंटेटर हाफिज जी बहुत अच्छा संभाल रहे हैं और लफ्जों का एक अंबार खड़ा कर देते हैं, बहुत अच्छा रवा तबसरा पेश कर रहे हैं। इस वक्त ककराटा के जिम्मे सर्विस, मौका हाथ मिला, चांस है पॉइंट के अंदर इजाफा करने का और देखना है किसम कहां तक कामयाब हो सकती है। और इस तरीके से बाल को बाल बचे पॉइंट में इजाफा करने से कासिर रहे। अच्छा धमाका, टच आउट और इसका मौका मिला ककराटा को इस तरीके से पॉइंट के अंदर इजाफा करते हुए। इस वक्त 6 ककराटा बिशम 3। लगातार सर्विस ककराटा की जानिब से 6-3। अच्छा डिफेंस ककराटा के जरिए, टच आउट आया और इस तरह से लगातार पॉइंट में इजाफा। हालांकि अभी कोई बात बिगड़ी नहीं है, अगर तालमेल के साथ खेलते हैं बिशाम के लोग तो कुछ भी हो सकता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। खुशीदा होती है, हार भी बहुत कीमती चीज है, उससे तजुर्बा होगा अगर आगे कदम इसमें रखना है। अच्छी शॉट और इस शॉट का फायदा हुआ बिशाम को, सर्विस चेंज लेने में कामयाब रहे बिशाम की टीम। देखना ये सर्विस लेने में कामयाब कहां तक कामयाब होती है। डिफेंस करना चाहते थे चूके ककराटा के खिलाड़ी और ये लेफ्ट राइट डाउन हुई में 7-3 पॉइंट 7-3। बिशाम के जाने से बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ साहब जो इस वक्त बहुत अच्छा रेज उठा रहे हैं, अच्छी शॉट लगाने से कासिर रहे। सर्वे चेंज बिशाम की तरफ से, मौका हाथ लगा है और इस पॉइंट के अंदर देखते हैं कि इजाफा होता है या नहीं। हाफिज जी ने बताया काफी देर के बाद बिशाम को मौका मिला है लेकिन सर्विस नाकारा सिद्ध हो गई। लाइट मैन और बड़े
आगे बढ़ लाइट मैन कमेंट्री बॉक्स पे आए, जल्द से जल्द लाइट मैन कमेंट्री बॉक्स पे आए, लाइट मैन कमेंट्री बॉक्स पे आए। अच्छा डिफेंस, अच्छे शॉट लगाना चाहते हैं, चूंकि वो लाइट मैन कमेंट्री बॉक्स पे आए। उसे पांड के अंदर इजाफा का पकड़ा की जानी से बराबर प्रदर्शन करते हुए ये लाइट मैन आगे इस वक्त जोर आजमाई करती हुई और अपने ताकत और जोर को दिखाती हुई ग्राउंड के अंदर मजमा खचाखच तमाशाई और शायद खिलाड़ी अपना लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन तमाशाइयों के अंदर वो खामोशी देख रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मुशर्रफ साहब जिनका ताल्लुक गुजरियागंज से तशरीफ रखते हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। देवेंद्र साहब बैठे हुए हैं जो आजमगढ़ वॉलीबॉल फेडरेशन के खजांची हैं और इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं राशिद अहमद साहब और उनके साथी। गेंद कुकराटा की जानिब से अच्छी सर्विस, अच्छी जी, काफी देर के बाद सर्विस चेंज हुई है, अब देखना है कि सामोले क्या करते हैं अपने लिए। राफे रईस अगर एक टप्पे पे बाल को गेम चलते हुए क्रॉस कर दे रहे हैं तो मुकर्रम साहब की तरफ से 200 रुपए का इनाम, राफे रईस के लिए 200 का इनाम है अगर एक टप्पे पे बाल क्रॉस कर दे रहे हैं। मुकर्रम ककराटा की तरफ से ये इनाम है राफे रईस के लिए। ये 17 नंबर का ककराटा की जानब से राफे रईस बहुत जोर आजमाई करते हुए अपने खिलाड़ियों में सबसे मुमताज खिलाड़ी कैसे से जाने जाते हैं, इसको सर्किट लेने में कामयाब। रईस साहब अपने वक्त के बेहतरीन और कोई भी प्लेयर किसी टीम का कोई भी प्लेयर अगर एक पत्ते पे क्रॉस करता है जाल को तो ग्राम प्रधान गुड्डू प्रधान की तरफ से 500 रुपए, अगर वही प्लेयर लगातार 3 बार क्रॉस करता है गेम चलने में तो 5000 रुपए इनाम है प्रधान जी की तरफ से। राफे रईस अपने नेट के अंदर जिस तरह से कुछ हीरो के लड़के हीरो हुए उसी तरीके से कुछ पुराने खिलाड़ियों के लड़के खिलाड़ी तो हुए बाकी बेकार साबित हुए, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि राफे रईस बहुत ही बेहतर और अच्छा प्रदर्शन है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं। भाई गिरता ऐसा सवार ही हो मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले, कामयाब वही हो सकता है जिसके अंदर जोर आजमाई की ताकत हो, अपने अपने तजर्बकार हो, अपने कलाइयों का और अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने टीमों को सफलता दिला सके। इस वक्त बिशम और कतराटा के बीच ये टूर्नामेंट का होता हुआ, इस वक्त कतराटा 8 पे है बिशम जबकि 5 पे, लेकिन ये मानना होगा कि बिशम भी बराबर टक्कर दे रही है कतराटा को, ये खुशहाली पहलू है बिशम के लिए। राफे रईस अच्छा शॉट, ये मानना पड़ेगा राफे रईस जो है हमारे मऊ जिले के अंदर भी इनका टूर्नामेंट ये आते हैं, धमाकेदार हैं, अपनी जान का सबूत देते हुए जोर आजमाई कर रहे हैं। इस अवसर सर्विस लेने में आसिफ साहब ने आज भी बड़ी तवानाई है और अपनी टीम के नायक को पार लगाने की भरपूर जद्दोजहद और कोशिश करते हुए बिशम 5 ककराटा 9। ककराटा टीम से मुकाबला करने के लिए बड़ी जोर आजमाई करनी होगी टीम। राफे रईस कामयाब नहीं हुए, नतीजतन एक पॉइंट मिलेगा, काफी देर के बाद बिशम को पॉइंट मिला है 6-9। बोलो और सर्विस लेने के अंदर कामयाब रहे, लाइन के अंदर है भाई बाल लाइन में, अंपायर का फैसला दाते और आखिरी होगा, बगैर किसी चूस इराके उसे तस्लीम कर लीजिए। आप
सर्विस लेने में कामयाब रहे बिशम के, हम भी कम किसी से कम नहीं। अजमा रखते हैं जो तूफान का